पवन और ज्योति में आई फिर से नज़दीकियाँ। जी हाँ, आपको हम ये बता दें कि इन दिनों ज्योति सिंह है पवन सिंह के गानों को टैग कर रही हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या है पूरा माजरा। एक्चुअली कुछ दिन पहले ज्योति सिंह ने एक छोटी सी न्यू बॉर्न बेबी को अपने हाथों में लिया था और पवन सिंह का गाना उसके नीचे लिखा हुआ था। पवन सिंह का भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाटे वाला सॉन्ग जो है, वही सॉन्ग उस बच्ची को डेडिकेट करते हुए ज्योति सिंह ने लिखा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। वैसे पवन की जितनी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वो तहे दिल से चाहती है कि पवन और ज्योति का रिश्ता फिर से सुधर जाए, पवन और ज्योति फिर से एक हो जाए। वैसे इन दोनों के रिश्तों में जो खटास आई है वो एक बहुत ही कड़वे दौर से गुजर रही थी, अब हल्की सी इसमें मिठास की गुंजाइश नज़र आ रही है। वैसे कुछ रोज़ पहले ज्योति सिंह ने अपनी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें वो बकायदा सिंदूर पहने हुए नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ ज्योति ने लगातार इन दिनों पिछले तकरीबन 1-1.5 सालों से ऐसी फ़ोटो ही पोस्ट की है जहां पर वो ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट में ही नज़र आई। वैसे हम आपको बता दें कि ज्योति और पवन के रिश्तों में तल्खियाँ तकरीबन 2 साल से आई हुई हैं और ये दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो तो करते हैं, लेकिन ये कह दें कि लाइफ में फॉलो कर रहे हैं तो अभी ये दूर का खेल है, क्योंकि अभी तो हल्की हल्की इनके रिश्तों में जो दरार है वो भरनी शुरू हुई है। अब आगे देखते हैं कि ये लोग कब 2 से 3 होते हैं, या यूँ कह ले कब 1 होते हैं। पवन के फैंस को बहुत ही इंतज़ार है कि पवन सिंह जल्द ही अपनी पत्नी ज्योति के साथ फिर से खुश नज़र आए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।